एक्सक्यूज मी सर। हाँ यश बताओ। सर जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन फ्रैक्शन वाले, पार्शियल फ्रैक्शन वाले। हाँ सर उसका ना, यस सर, सर उसका ना मैंने थोड़ा डिफरेंट वे देखा है। कोई बात नहीं, आप मुझे बताना, मैं एक काम करता हूँ, संडे सर सेशन मैं रख लेता हूँ बताऊँ, एक। अच्छा चलो बताओ, एक पहले कोई क्वेश्चन बताओ, कोई भी एक, कोई क्वेश्चन बोलो आप। सर मुझे एक टेस्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है। हाँ टेस्ट वाले याद आया मुझे, यश आपका भी एक प्रॉब्लम नजर आई थी मुझे टेस्ट में एक। सर शायद एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला था जो अच्छा सिलेबस में नहीं था। ऐसा हुआ क्या? मैंने वैसे चेक तो किए थे। क्वेश्चन बोलना क्या था आज तक, बोलना क्वेश्चन। सर जैसे जगह मैं खोल रही हूँ। थोड़ा फिर मैं जल्दी। संडे को बता दूंगा फिर आपको। सर अच्छा ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितने बजे होगी संडे को? एक्स मैं अपॉन आपको ना बेटा कल इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं संडे का शेड्यूल मैं कल देख के बता दूंगा। एक्स अपॉन बोलना उसका क्या है? एक्स टू द पावर 4 हाँ प्लस 2x² हाँ प्लस 3। +3। ठीक है अब देखो ऊपर जैसे एक्स डी एक्स दिख रहा है तो किसका डेरिवेटिव होता है एक्स, सिर्फ ये बताओ एक्स किसका डेरिवेटिव है? x² एक्स स्क्वायर का। ठीक है वो तो 2x होता है, चलो 2D प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को 2 ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 2x आ गया, dx आ गया, सॉरी 2 कह रहा हूं मैं, t ले लिया सॉरी, इधर आपका dt आ गया। अब आप वापस चले गए इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में जब वापस आए तो ऊपर का जो एक्स डीएक्स है वो तो बन गया हाफ डी टी, और नीचे जितने एक्स स्क्वायर है सबको टी पुट करोगे तो ये तो एक्स टू दी पावर 4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टी स्क्वायर बन गया, प्लस ये टी माना है तो ये 2t बन गया और ये +3 बन गया। अब आप इसको बनाओगे एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गई। अगर इसके फैक्टर्स हो जाएं तो अच्छी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है। फैक्टर्स मेरे ख्याल से होंगे नहीं, 3 से प्लस करके 2 नहीं आ सकता, माइनस करके तो आ जाता, तो इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। वर्बली बनाऊंगा देखो मैं, आप ही बनाने करो, छोटे मोटे बना लिया करो। टी स्क्वायर प्लस 2t है, टी का कोफिशियंट 2 है, 2 का आधा किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, इसमें 1 ऐड करने से ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करने से ये 2 बन गया और ये √2 का होल स्क्वायर बन गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, सही कह रहे हो आप, क्या मुझसे मिस्टेक हुई है देने में, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है और ये टैन इनवर्स में होता है, ये होता है 1 अपॉन ए, ए मतलब √2 और फिर ये टैन इनवर्स में होता है फॉर्मूला। आप करेक्ट कह रहे हो बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला होता होता तो ये आंसर होता और टी के प्लेस पर हम वापस एक्स स्क्वायर रख लेते। सो तो मैंने लास्ट स्टेप तक छोड़ दिया, फिर समझ नहीं आया क्या करना। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। चलूं मैं आगे चलूं, वैसे फॉर्म तो मुझे भी टेस्ट वाले में एक डाउट था। आप पूछो पूछो, डाउट पूछ लो। सर मैं क्वेश्चन बोलूं? हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलना पड़ेगा क्या, बस वो अभी खोलना पड़ेगा। x माइनस 1 अपॉन में 3x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है मैंने लिख लिया। अब ये है फॉर्म जिसमें ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं ये है या नहीं। हमने देखा भी इसका डिफरेंशिएशन है 6x माइनस 4 और ये 6x माइनस 4 नहीं है। अब हम इसको 6x माइनस 4 बनाएंगे, हम इसको नोट डाउन करेंगे, इसको पहले हम 6x बनाएंगे, तो क्या करेंगे, बाहर 6 से डिवाइड, अंदर 6 से मल्टीप्लाई, दोनों को 6x बन गया, एक माइनस 4 भी चाहिए, एक माइनस 4 करेंगे एक प्लस 4 करेंगे, बस बन गया। अब मैं कहूंगा इसको उठा के वापस रखो इंटीग्रेशन में, वापस आ जाओगे, ये 1/6 बाहर लिखा जाएगा सीधा, 6x माइनस 4 को एक साथ लिखा जाएगा एक ब्रैकेट में ये ऐसे, और आपका बचा माइनस 6 और प्लस 4, ये माइनस 2 अलग लिखा जाएगा और ये बेस यहाँ पे डिवाइड में ऐसे लिखा जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप है। यश मेरे को आपके इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आई थी, ये 6x माइनस 4 माइनस 2 मैच नहीं कर रहा था ऊपर, यस सर, है ना, ये ऐसे बनना था। अब इसमें कुछ नहीं है देखो, ये 1/6 तो ऐसे ही रखना है, 6x माइनस 4 के नीचे बेस अलग कर दो, ये एक इंटीग्रेशन हो गया, dx लगा दो, फिर ये माइनस यहां लगाओ, ये वाला जो माइनस है ये 2 अलग करो, उसके नीचे बेस अलग करो, लेकिन ध्यान रखना है
वन बाई सिक्स दोनों के साथ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां दिखाई नहीं दे रहा शायद, मैं दोबारा से लिख देता हूं, देखो वन बाई सिक्स यहां, सिक्स एक्स माइनस फोर के नीचे बेस अलग, ये बेस अलग, ये पहला इंटीग्रल, फिर ये माइनस टू के नीचे बेस अलग, लेकिन माइनस टू के नीचे ध्यान रखना है वन बाई सिक्स साथ में जाएगा इसके, तो ये माइनस टू इंटू वन बाई सिक्स और ये बेस अलग, ये दो इंटीग्रल हो गए आपके पास, जिसमें पहले इंटीग्रल का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, मेरे को बता सकते हो 1/6 log 3x square minus, राइट, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव आपने ऊपर बनाया है भाई, आपने बनाया है तो भाई आप आंसर डायरेक्ट लिखो, इसलिए 1/6 log मॉडुलस ऑफ नीचे वाला, ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया। इसको बनाना पड़ेगा मुझे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अभी बनाया था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन उसके लिए मेरे को इसको रफ पेपर में उतारना पड़ेगा। देखो ये मेरा रफ पेपर है, ये मेरा रफ पेपर है, मैंने इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहला काम मैं 3 कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x के कोफिशियंट को मैं आधा करूंगा, तो 4/3 का आधा करेंगे 2/3, 2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9 एड 4/9 सब्ट्रैक्ट, बस मेरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलो सर, जब वो नीचे कंप्यूटर में स्क्वायर लगाते कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए। हाँ, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो ना किसी पॉलिटिक इक्वेशन का, तो उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना कंपलसरी है, नहीं है तो 3 कॉमन निकाला है, देखो मैंने सबके अंदर से ये 3 बार कॉमन है, उसके बाद मैंने देखा है कि क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा। ओके ठीक है, अब मैं देखो यहाँ वापस आ रहा हूँ, ये 2 से मेरा 6 कैंसिल, ये तो 1/3 परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं सीधा। अच्छा ये जो 3 है कहाँ जाएगा, ये 3 के साथ नीचे रख लो बाहर, ये ऐसे आ गया। अच्छा अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x में 4/9 ऐड कर लो, ये बन गया एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। कौन कौन गया होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर गया, 4x/3 गया और 4/9 गया। अब 1 में से 4/9 माइनस कर दो, 5/9 ओ ये भी फॉर्मूला आपके कोर्स में है, क्या हो गया, एक तरह गलत हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 5/9 को बना लो √5/3 का स्क्वायर। अब ये वही फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में आस्था ने पूछा था, ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया जो आपके कोर्स में नहीं है, शायद मेरे को देने में गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना ये माइनस वाला फॉर्मूला तो आपके कोर्स में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए नहीं, देखो ना भाई आपका ये प्लस 4/9 होल स्क्वायर में चला गया, अब बचा क्या, एक तो 1 बचा, एक 4/9 बचा माइनस का, तो 1 में से जब 4/9 माइनस हुए तो प्लस के 5/9 बचे ना, माइनस के नहीं बचे, है ना, तो प्लस के 4/9 अगर सॉरी प्लस के 5/9 बचेंगे तो भाई फॉर्मूला ये आपके कोर्स में नहीं माना जाएगा, तो ऐसा डिजिट नहीं आएगी। इनफैक्ट आप कोई बात नहीं, आप प्रोसेस को याद रखो, बस प्रोसेस क्या है, वो तो फॉर्मूला अपना आप ही वही आएगा जो आपके कोर्स में होगा, क्योंकि जब ये फॉर्मूला है ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो फॉर्मूला भी नहीं है। बाकी आप ठीक कह रहे हो कि हाँ यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला नहीं आ रहा। बोलो भाई आगे चलें। यस यस सर। ओके चलिए, अब आप लिखिए भाई, एलपीपी में हम लोग करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक मिनट, एक लाइट ऑन कर लो, जरा थोड़ा ब्लड सा हो गया बोर्ड। तो मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करो। लिखिए, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट टू प्लेसेस पी एंड क्यू, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट टू प्लेसेस पी एंड क्यू,
फुल स्टॉप सर लोकेटेड के बाद एक बार रिपीट कर दो. आई रिपीट देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट टू प्लेसेस पी एंड क्यू फुल स्टॉप. उसके आगे मैंने कुछ बोला नहीं फुल स्टॉप. आगे लिखो फ्रॉम दीज लोकेशंस From these locations, a certain commodity is delivered. From these locations, a certain commodity is delivered to three places, A, B, and C. A, B, and C. Full stop. The weekly requirements. The weekly requirements are. The weekly requirements are 5 units, 5 units, and 4 units. 5 units, 5 units, and 4 units, respectively. And the production capacities are 8 and 6. 8 and 6 units respectively. 8 and 6 units respectively. Note here. इतना note किया भी बताओ. Yes sir. Yes. Yes sir. अच्छा आगे अब आप एक टेबल बनाओ. मैं आपको टेबल दे रहा हूं बना के. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो. अब वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको ना टेबल टैबुलर फॉर्म में दी हुई है. देखो मैं वो यहां पे बना देता हूं. यहां पे आपको एक टेबल बनाना है. A, B, C. यहां पे आपको लिखना है P, Q. 16, 10, 15. 10, 12, 10. ये कॉस्ट पर यूनिट की दी हुई है. ये टेबल आप ऐसे बना दो. अभी समझाता हूं इसका क्या मीनिंग है. पहले आप बना लो ये. और क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर इसके नीचे. टेबल बना लिया. यस सर. ओके क्वेश्चन कंप्लीट कर लो. नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो. हाउ मेनी यूनिट्स How many units should be transported? How many units should be transported from each factory? From each factory, such that transportation cost is minimum. Such that transportation cost is minimum. ये है जी आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. हम आपको समझाता हूं करना क्या है. लिख लिया मैं समझाऊं फिर अब. ओके देखो अब क्वेश्चन ये है भाई एक आदमी की 2 फैक्ट्री हैं अलग अलग जगह पे लोकेट कर दी है उसने और वहां से वो जो है 3 उसके मतलब एक तरह से कस्टमर कह लो आप
उनको सप्लाई करता है वो। अच्छा ठीक है चलो सप्लाई करता है, तो अभी आपको देखो मैं क्वेश्चन कैसे लिख के बताऊंगा और आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे आप फैक्ट्री बनाएंगे पी, एक सर्कल बना लो मतलब ऐसे, इसमें लिख लेंगे पी, एक यहां पे थोड़ा सा दूर जाके एक सर्कल यहां बना लो क्यू, ये दूसरी फैक्ट्री हो गई, ठीक है। यहां पे अपने तीन कस्टमर के नाम डाल दो, लाइक जैसे एक ए कस्टमर है, एक आपका कस्टमर बी हो गया, एक आपका कस्टमर सी हो गया, ये यहां पे इनको सप्लाई करनी है। कस्टमर ए की डिमांड है 5 यूनिट चाहिए इसको, इसकी भी डिमांड 5 यूनिट है, सर्कल में 5 लिख दिया मैंने, इसकी डिमांड 4 यूनिट है, ठीक है। अब फैक्ट्री पी की कैपेसिटी कितनी है, मैंने आपको दी थी फैक्ट्री पी की कैपेसिटी, मैंने आपको दी थी एक बार देख लेते हैं, 8 यूनिट्स है और इसकी कैपेसिटी 6 यूनिट्स है। इसका मतलब दोनों फैक्ट्री में जितने यूनिट्स प्रोडक्शन होती है वो कितनी है, देखो 8 और 6 प्लस कर लो 14 यूनिट की प्रोडक्शन होती है, और सप्लाई मतलब हमारे पास 14 यूनिट की सप्लाई है, और यहाँ पे हम डिमांड चेक कर रहे हैं तीनों कस्टमर की, तो 5, 5, 10 और 4, 14 ही यूनिट की डिमांड है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है ना, जितनी आपके पास सप्लाई है उतनी ही यहाँ पे डिमांड अवेलेबल। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि पी फैक्ट्री से इसके पास कितनी यूनिट भेजें, इसके पास कितनी यूनिट भेजें, इसके पास भेजें, क्योंकि जब ये दोनों मिलकर इन तीनों को सप्लाई करेंगे तब जाके इनकी डिमांड पूरी होगी, किसी एक से नहीं हो सकती। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा पी ने ए को 2 यूनिट सप्लाई कर दिया, तो 2 यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, देखो पी अगर ए को सप्लाई करता है 1 यूनिट तो 16 रुपए खर्चा आएगा, अगर मान लो पी ने ए को किया 2 यूनिट तो खर्चा हो जाएगा 32 रुपए का, फिर मान लो पी ने बी को दे दिए 3 यूनिट तो यहाँ पे खर्चा हो जाएगा पी से बी का 1 यूनिट का 10 रुपए है, तो 30 रुपए खर्चा यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। सप्लाई पूरी करवानी है और हम चाहते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम आए भाई। अगर हम रैंडम सप्लाई करवाएंगे तो पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होगी या नहीं होगी, तो हमें ये पता लगाना है। इतना क्लियर है जो मैंने समझाया, तो आगे बताऊंगा फिर। यस सर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फैक्ट्री से स्टार्ट कर देंगे सप्लाई करना। मैं पी से स्टार्ट करता हूँ, आप भी पी से करा करना एग्जाम में, टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। पी ने ए को लेट करो एक्स यूनिट सप्लाई की, मैंने देखो एरो बना के ना उसके ऊपर एक एक्स लिख दिया, फिर मान लेते हैं पी ने बी को सप्लाई कर दिए वाई यूनिट, मैंने एरो बना के यहाँ पे भी वाई लिख दिया, थोड़ा मेरा स्पेस कम है, आपका स्पेस ज्यादा तो आप ज्यादा स्पेस ले लेना। अब मेरे को बता दो पी सी को कितने यूनिट सप्लाई करेगा, जेड यूनिट, 8 - x - y, राइट, जेड मत ले लेना, जितना बचा हुआ माल है वो सारा ये सी को दे देगा, तो 8 में से x यहाँ चला गया, y यहाँ चला गया, यहाँ पे आप लिख दो 8 - x - y, ये सारा ये C को दे देगा, ठीक है जी। P फैक्ट्री से माल सप्लाई हो गया, अब बारी आएगी Q फैक्ट्री की। अब आप मेरे को बता सकते हो Q A को कितना देगा, x 5 - x, राइट, इसको 5 चाहिए था, वहां से इसने x रिसीव कर लिया है, तो बचा हुआ इससे मांगेगा, बचा हुआ मतलब 5 - x। अब आप बताओ Q B को कितने देगा, 5 - x, राइट, 5 - x, क्यों, 5 - y, क्योंकि इसको 5 चाहिए, y वहां से मिल गया, तो ये इसको 5 - y देगा, ठीक है। अब आती है बारी q जब c को देगा, मैं थोड़ा एरो ऐसे लगा रहा हूँ टेढ़ा करके, क्योंकि वो थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास। यहाँ पे दो बातें हैं, देखो c को 4 यूनिट चाहिए, 4 में से जितना मिल गया वो माइनस कर दो, 4 में से ये माइनस कर दो, या फिर जितना क्यू के पास बचा हुआ है वो सारा इसको दे दो। हम दोनों चीज लिखेंगे, देखो पहले हम 4 में से ये माइनस करेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 4 - 8 + x + y, 4 में से जब इसको माइनस किया तो 4 - 8 + x + y। अब मैं इसी एरो के नीचे एक और चीज लिखूंगा, देखो 6 इसके पास था, इसने कितना दिया है, 5 - x इसको दिया है, 5 - y इसको दिया है, तो बचा हुआ लिखते हैं 6 - 5 + x - 5 + y। आप चेक करो ये जो दोनों वैल्यू है क्या ये एक जैसी है, ये चेक करो जरा, 4 - x + x + y या 6 - 5 - 5 + x + y, चेक करके बताओ, ये एरो के ऊपर वाली और एरो के नीचे वाली वैल्यू क्या सेम है, देखो ये सेम ही तो है, ये कितनी है x + y - 4 और ये क्या है, देखो x + y और 6 में से 10 गए -4, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी हमेशा,
इतना क्लियर है तो मैं आगे चलूं? यस सर। यस। अब हम बनाएंगे इसको देख देख कर अपना सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, ये आपको एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में STC लिख दिया है फिलहाल, आप मत लिखना एग्जाम में STC, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट से लिखना है। देखो सीधी सी बात है, जो सप्लाई आप एरोस के ऊपर लिख के दिखा रहे हो ये सारी सप्लाई है, इनमें से कोई भी सप्लाई नेगेटिव में नहीं हो सकती, सारी सप्लाई या तो पॉजिटिव होंगी या सारी सप्लाई आपकी जीरो हो सकती है, हम सप्लाई नहीं कर रहे मान। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहली सप्लाई x, ये आपका पहला कांस्टेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पहला कांस्टेंट, दूसरी सप्लाई y, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तीसरी सप्लाई 8 माइनस x माइनस y, तो 8 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको एक काम करते हैं x प्लस y को उधर प्लस कर देते हैं, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y हो गया, ऐसे ठीक है लिखा हुआ जरा ये, ठीक है ना। तो इसको मैंने एक्स वाई को उधर प्लस कर दिया, चलो यहां से शुरू करते हैं। अभी आ गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको भी ये काम करते हैं एक्स को उधर जीरो में प्लस कर लेते हैं, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अप्लाई, नेक्स्ट है 5 माइनस वाई, ये भी वही है 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप लिख सकते हो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये हो गया। एक और बची है ये वाली 4 माइनस 8 यानी माइनस 4 प्लस एक्स प्लस वाई, यहां लिख देता हूं माइनस 4 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको भी आपने ऐसे लिख दिया एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हो गए। कितने हैं गिने जरा, ये तो दो वाले वो वाले आ गए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट जो होते हैं, इसको तो छोड़ो यहां से गिनो 1 2 3 4, चार आपके कॉन्स्टेंट्स आ गए। इनका तो हम कुछ नहीं करते, इनका तो हम बस ये ध्यान रखते हैं कि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाने देते, बस इतना क्लियर है। तो मैं बनाऊंगा अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यस सर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहां बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देख लो आपको दिखाई देगा यहां से दिखाई देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम जनरली जेड से शो करते हैं, जेड। देखो कितना आसान है, पी जो है वो ए को एक्स यूनिट की सप्लाई कर रहा है, पी अगर ए को एक यूनिट की सप्लाई करता है तो 16 रुपए का खर्चा आता है, एक्स यूनिट पे आप बता दो कितना खर्चा होगा, 16x, ठीक है, प्लस करते जाना 16x, फिर प्लस, पी ने ही बी को वाई यूनिट सप्लाई करा है, पी ने अगर बी को वाई यूनिट सप्लाई किया है तो 10 रुपए के हिसाब से 10y ऐड कर दो, ठीक है, प्लस करते जाओ, इसमें सारी कॉस्ट प्लस करनी है, प्लस। अब पी से आप मुझे सी का खर्चा बताओ कैसे निकालना, पी जो है वो सी को इतनी सप्लाई कर रहा है और 15 रुपए का खर्चा है, 15 × 8 − x − 1, बिल्कुल सही। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 15 × 8 होता है 120 माइनस 15x − 15y, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसमें और प्लस करो, अब क्यू से शुरू करो, क्यू जो है ए को 5 − x यूनिट्स दे रहा है, ठीक है, खर्चा 10 रुपए के हिसाब से, कितना लिख दूं, 50 − 10x प्लस। अभी और है, Q ने B को दिया है 5 − y, 12 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 − y से ना, कितना लिख दो, −12y, एक और बचा है भाई, प्लस करो उसमें भी, ये है आपके 10 रुपए के हिसाब से 10x प्लस 10y माइनस 40, 10x प्लस 10y माइनस 40, जरा भाई इसको सॉल्व करके बताएगा कोई बच्चा, जरा ये माइनस 40 में हल देता हूँ कैमरे में, अमीरा ये माइनस 40 है, ठीक है, जरा एक्स वाले सारे प्लस करके वाई वाले सारे प्लस करके एक फाइनल बताओ, तो हम उसको यहाँ एक फाइनल लिख देंगे फिर, और यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में मिनिमम करना है इसको, मैक्सिमम नहीं करना है इस बार, ये मिनिमम चाहते हैं हम, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, कॉस्ट कौन चाहेगा मैक्सिमम करनी है अपनी, हर कोई कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, सिंप्लीफाई करके बताओ बहुत जल्दी हो जाएगा, 16 में से 15 गए 1, 1 में से 10 गए 9, माइनस 9 में फिर से 10 ऐड हो गए, एक तो सिंगल एक्स आ रहा होगा, चेक करो सिंगल एक्स बचा एक तो लास्ट में, वाई वाला चेक करें, 10 में से 15 गए -5 -17, हाँ -7y आ रहा है, -7y और 290 आ रहा है, 170 और 60, 230 में से 40 निकाल दो, ठीक कह रहे हो 190,
ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका मिनिमाइज होना है, ये आपको मिनिमाइज करना है। बताओ जी इसके अगर ये सब क्लियर है तो हम इसका फिर ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो जी ग्राफ बनाते हैं। कहाँ तक आएगा मैं देख लेता हूँ, यहाँ तक आपको दिखेगा, यहाँ तक ठीक है। तो ये वाला कांस्टेंट आप नोट कर लो कहीं पे, मैं इसे रब कर रहा हूँ, मेरा बीच में अड़ रहा है ग्राफ में, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फोर वाला है, ठीक है मैं इसको रब कर दिया है, आप कहीं लिख लेना इसको अपने पास, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फोर वाला दिमाग में रखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन फोर वाला कॉन्स्टेंट। चलो ये आपकी आ गई है देखो जी अब वाई एक्सिस, ठीक है ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, स्केल देखना पड़ेगा कितना लेना है भाई, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और यहां पे हम मार्क कर लेते हैं ओरिजिन। ऑलराइट चलो अब देखो भाई क्या शुरू करें, इनको छोड़ो यहां से शुरू करते हैं, एक्स को जीरो रखेंगे वाई एट हो जाएगा, वाई को जीरो रखेंगे एक्स एट हो जाएगा, यहाँ फाइव आएगा यहाँ फाइव आएगा या फोर आएगा, एट से ऊपर नहीं जा रहा है स्केल, बोलो क्या करें, एट से ऊपर स्केल नहीं लेना है। सो मैंने वन लिया है, वन ले लेते हैं ठीक है, क्योंकि एट ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है ना, मैक्सिमम एट ही तो आ रहा है तो वन इंच ठीक रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मैं देखो अंदाजे से लगाता हूँ सेंटीमीटर, आप भी अंदाजे से लगा लो, शुरू करते हैं प्लॉट करना। तो आप देखो यहां से शुरू करते हैं, एक्स जीरो वाई एट लेंगे, वाई जीरो एक्स एट लेंगे, तो ये एट और एट को ज्वाइन कर लो कहने का मतलब, और रिपीट करूंगा अपनी बात, इक्वेशन बनाते ही जैसे ग्राफ बनाते ही यहाँ इक्वेशन लिखना मत भूल जाना, x प्लस वाई इक्वल टू एट हो गया। इसका जरा एरिया बताओगे, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन लूं या उधर वाला लूं, कौन सा लूं? टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि आप इसमें ओरिजिन टेस्ट करके देख सकते हो, यहाँ पे जब जीरो जीरो रखोगे ना तो एट जीरो से बड़ा हो जाएगा, वो तो होता ही है, तो ओरिजिन के तरफ का एरिया लेंगे। दूसरा प्लॉट करते हैं, एक्स इक्वल टू फाइव, ये रहा, यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मेरा टेढ़ा लाइन बनेगी देख लेना भाई, x इक्वल टू फाइव वाली लाइन आ गई, इसका एरिया बताओ जरा, टूवर्ड्स ओरिजिन जाऊं या अपोजिट जाऊं ओरिजिन के? टूवर्ड्स ओरिजिन ना, क्योंकि जब जीरो रखोगे तो पांच जीरो से बड़ा हो जाएगा, वो तो होता है ठीक है भाई, इस तरफ का एरिया लेंगे। अब एक y इक्वल टू फाइव, ये रहा, ये y इक्वल टू फाइव हो गया, इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। एक और बचाइए जो ऊपर लिखा था मैंने, ये लाइन 4 4 को ज्वाइन कर लो सीधा सीधा, x0 y4 y0 x4, ये 4 4 को ज्वाइन करके ये एक और आ गया, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी ये वाली, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लो, इसका एरिया बताओ जी, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? अवे, इसका अवे, देखो ना यहाँ पे जब 0 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगी LHS, और LHS 0 बन के 4 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स हो गया है, इसको उधर लेके जाएंगे। कौन सा एरिया शेड कर दूं? सबका कॉमन बताना है हमें, कॉमन रीजन, फीजिबल रीजन। सर वो ट्रायंगल बन रहा है बीच में एक, ये यस सर, ये ट्रायंगल नहीं है देखो, ये तो काफी सारी डायमेंशंस हैं इसमें, ये देखो इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ, पहले शेड कर लेता हूँ, ये हमारा फीजिबल रीजन है, सबको कॉमन में यही शेड मिल रहा है देखो। हाँ, ये एक्चुअल में साइड गिनो कितनी है, एक दो तीन चार, ये छोटी सी पांच और ये छह, ये हेक्सागन है एक तरह से, इसके छह कॉर्नर है ना देखो, छह कॉर्नर बन रहे हैं, कहीं से भी कॉर्नर की नेमिंग कर सकते हो आप, अपनी कॉपी आप सबकी अपनी अपनी होती है, जैसे मैं जनरली यहीं से शुरू करता हूँ, मैं ऐसे चल के आता हूँ मैं ऊपर से, तो यहां से ए, फिर ये कॉर्नर बी, ये कॉर्नर सी, ये एक्स एक्सिस पे डी, और ये इधर फोर वाला ई, और ये फिर इधर आ जाओ वापस, ये एफ हो गया, छे के छे कॉर्नर नजर आ रहे हैं मेरे को, कोई भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अब मैं ये रब करूंगा भाई थोड़ा सा, ठीक है आप ये ग्राफ बना लो। सब बना लिया है, बना लिया ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर यहां पे अपनी कैलकुलेशन कर ली।
ये कॉन्स्टेंट की भी जरूरत नहीं है, अब तो ये भी रब कर देता हूँ, ये सब काम तो हो चुका है। चलो अब आपको क्या क्या लिखना है, यहां पे लिखना है आपको कॉर्नर पॉइंट्स और यहां पे वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 90। पहला कॉर्नर पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स बोलो भी दिख रहे हैं वहां पे 0.5। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिख रहे हैं, आप देख लो 3.5। बिल्कुल ठीक, कैसे देखो y तो इसका भी 5 रहेगा, y तो इसका भी 5 है, वो y की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में डालनी है क्योंकि ये b पॉइंट इसी लाइन से जा रहा है यहाँ पे देखो, और ये इक्वेशन लिखी मिल गई इस जगह, तो y 5 x 3 तो 3.5। c बता दो 5.3। बिल्कुल सही बात, इसका x हमें दिख रहा है 5 है, वो इसी लाइन में पुट कर दो x 5 y 3। d बता दो, ये तो सबसे आसान है 5.0। e बता दो 4.0। F बता दो 0.4। 6 के 6 कॉर्नर हो गए, 6 के 6 कॉर्नर इस वाले z की वैल्यू में पुट कर दो x 0 y 5 तो 0 ये 35 कितना बताया 155। चलो जी मैंने पुट कर दिया, अब x 3 और y 5 950 कितना 158। श्योर? यस यस सर। 158 कह रहे हो आप 3.5 पे? यस सर। कैसे भाई जरा बताना, तो 3 माइनस 35 प्लस 190 प्लस 190। अच्छा ओ सॉरी ठीक है ठीक है, 190 में से आपके 32 माइनस हो जाएंगे है ना, तो 8 में से 158। ठीक है ठीक है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं पुट कर रहे हो भाई। ठीक है 5.3 बताओ 167। ये ठीक नहीं आ रहा 167 है, चलो जी 177 कर लिया लो, ये बता दो 50, ये तो जल्दी हो जाएगा सर 174 होगा। पांच रखोगे, पांच माइनस 21 ये बचे माइनस 16, 190 में से 16 माइनस कर दो 174 आएगा ये, ठीक कह रहे हो, ध्यान से करना भी देखो गलत ना हो जाए कॉस कॉस की। अच्छा अब ये देख लो 194 और 04, 190 में से 28 निकाल दो 162। आ गई सारी कॉस्ट, इनमें से सबसे मिनिमम कौन सी है, सबसे छोटी वाली 155। इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है ये मिनिमम है आपकी, और अब नीचे आंसर लिख, आंसर पता है क्या लिखना है, आंसर आपको सारी सप्लाई बतानी है। अब देखो x हो गया 0, y हो गया 5, सप्लाई लिखते हैं, देखो मेरे को बताओ हमने p से a को कितने यूनिट भेजे थे, x भेजे थे ना, तो x तो 0 है तो p a को 0 यूनिट सप्लाई करेगा। अच्छा हमने p से b को भेजे थे y यूनिट्स और y आपका 5 है तो p टू b 5 यूनिट्स हो गए। अब मेरे को बता दो p टू c कितने भेजने हैं, 3। p टू c 8 में से 5 निकाल लो ना, 8 थे इसके पास, उसमें से 5 लिए इसने, ये तो p सप्लाई करेगा अभी तीन को अपने कंज्यूमर को, अब q की सप्लाई लिखो, बताओ क्यू ए को कितने देगा, ए को तो कुछ मिला ही नहीं, अब देगा क्यू ए को बताओ 5। अब तो लिखते जाओ ना, फिर क्यू बी को कितने देगा 0, क्योंकि उसको 5 पी ने दे दिए, ये क्यू नहीं देगा उसको, और क्यू सी को कितने देगा 1 यूनिट, क्योंकि उसको 4 चाहिए थे, 3 वहां से मिल गए हैं। ये आपने दोनों फैक्ट्री से तीनों को सप्लाई बता दिया, कौन कैसे कैसे सप्लाई करने जा रहा है, और इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ये सबसे मिनिमम आएगी ₹155। इसके अलावा अगर उसने चेंज करने की कोशिश की तो भाई उसकी कॉस्ट इससे हायर चली जाएगी, ये हमारी करंट। बोलो आया क्वेश्चन सही में, आया ट्रांसपोर्टेशन सर आपने ऑब्जेक्ट के फंक्शन में सबको ऐड क्यों किया था भाई, आपको क्या करना है, दोनों फैक्ट्री से जो सप्लाई हो जाएगी
तो एक कंप्लीट कॉस्ट बनाई जाएगी फिर, पी और क्यू की मिलाकर कितनी कॉस्ट बनी, तो वही तो मिनिमम करनी थी। और हमें टेबल भी उसी का दिया हुआ था देखो कॉस्ट का, कि जब दोनों फैक्ट्री सप्लाई कर देगी तो एक कॉस्ट फंक्शन बनेगा उनका, तो हमने सबको ऐड कर दिया था। इसलिए किसी हमें एक फैक्ट्री का कॉस्ट नहीं निकालनी थी कि पी की कॉस्ट निकालो या क्यू की, दोनों से सप्लाई करने के बाद जो कॉस्ट आई है उसको करना था मिनिमम। ओके सर, गॉट इट। अच्छा अब मैं आपको ना देखो है तो बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन करीब करीब आधा घंटा ले जाता है हमारा, मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बस मुझे ना सब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट तक करके दिखाना, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करना भाई, क्योंकि इसके बाद बची आपकी अभी डाइट प्रॉब्लम, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो डाइट प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, आप क्वेश्चन समझ ही जाओगे, अब एक तो लिख लिया आपने पूरा। आप मुझे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट तक बना के दिखाएंगे बस। तो ये सारे टाइप्स मेरे सिलेबस में हैं। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, देखो उसमें से जो आएगा ठीक है, मैंने कहा ना जब एग्जाम होगा मैं आपको देखो एक ही टाइप सबकी सिखाऊंगा, हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, ट्रांसपोर्टेशन कर ली, मैं आपको डाइट भी सिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, हो गया काम खत्म बस। अब जो भी आएगा आप कर लोगे, और आगे जब मान लो कभी आप ऑनर्स क्लासेस में जाओगे तो वहां पे भी यूज होगा, तो वहां भी कर लोगे अब तो आप। तो इसलिए मेरा कंसर्न ना सिर्फ अभी क्लास 12th पे नहीं रहता, ऐसी मैं इनको साइंस और बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं उनको आई टी जेई के क्वेश्चन भी कराता हूँ। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यों करा रहे हो 12th में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन लिखो, रुको जरा एक मिनट। बस इसके बाद एक टाइप और सीखेंगे हम, डाइट प्रॉब्लम खत्म, फिर उसके बाद नहीं कर रहे हम इसको। लिखो ये है क्वेश्चन नंबर टू, फैक्ट्रीज लिख लो पी एंड क्यू, टू फैक्ट्रीज पी एंड क्यू, शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा टू फैक्ट्रीज पी एंड क्यू, फ्रॉम दीज लोकेशंस सर्टेन कॉमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ए बी सी, फ्रॉम दीज लोकेशंस सर्टेन कॉमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ए बी सी। लिखा? Yes. अच्छा अब इनकी रिक्वायरमेंट्स लिख लो, रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल्स टू, रिक्वायरमेंट्स करके लिख लो, ए इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ए इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, बी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, एंड सी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, सॉरी 4 यूनिट्स, सी की 4 यूनिट्स। डन? यस सर। अच्छा अब लिखो आप कैपेसिटी, पी इज इक्वल्स टू, ये तो सेम सा ही लग रहा है मुझे, पी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, ये तो भाई सेम सा ही हो गया, लो पी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, एंड क्यू इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अच्छा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग है, बस वो आप बना दो टेबल, P इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स एंड Q इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है अब आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का टेबल बना लो, एक जो बनाया था ना अभी, तो आप बस मेरे को इसका सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट तक करके दिखा देना, मतलब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक, यहाँ लिख लो आप P, यहाँ लिख लो आप Q, यहाँ ऊपर लिख लेना A B C, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है P से है 160, 100 और 150, Q से है 100, 120, 100, ये तो सेम ही लग रहा है पूरा क्वेश्चन मेरे को तो। चलो कर लो कोई बात नहीं, अब मैंने बोल तो दिया ये। एक फिर इसको डाइट प्रॉब्लम और करवा देता हूँ एंड फिर दैट्स ऑल, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज दूंगा आज, आप प्रैक्टिस कर लेना कुछ 5-6 क्वेश्चन ना, हो जाएगा काम इसी में।
इसके बाद क्या शुरू करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो पहले, या तो फिर कैलकुलस खत्म हो जाएगा ना। हाँ कैलकुलस, बल्कि हमने गलती कर दी, पहले मेरे को वही करवाना था लेकिन ये शुरू कर लिया था हमने, पता नहीं दिमाग से इसमें कैसे स्लिप हो गया, वरना यही करवाना था एक्चुअल में तो। चलो कर लो फटाफट से कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी शायद देखो नेक्स्ट क्लास में हो जाए, होगा नहीं होगा। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट तक करना है आपको, सर हो गया। ये तो मेरे ख्याल से सेम ही बने होंगे सारे, देखो है ना, डिमांड भी वही थी सप्लाई भी वही थी। आप मुझे, चलो वो तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सारे सेम ही है, पहला वही होगा x greater than 0 y greater than 0 5 minus x greater than 0 5 minus y greater than 0 फिर 8 minus x 8 नहीं minus 4 plus x plus y greater than 0 है ना, सारा सेम होगा वो तो। आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दो, चलो z1 सर क्या बताना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट z, मतलब जो मिनिमाइज करना है फंक्शन। जो फंक्शन मिनिमाइज करना है वो बता दो बस। सर 10x माइनस 70y प्लस 1900। 10x माइनस 70y 70। Yes, sir. Okay. भाई बाकी लोग चेक करके बता दो तो आगे चलें। तो प्लस 1900 प्लस 1900 ठीक है, और कोई yes, sir. Same? Yes, sir. चलिए तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन केस कभी यूज करते हो या बोर्ड में आती है तो आप आराम से कर लोगे, सबसे आसान तो यही होती है एक्चुअल में। तो मैं आपको भाई एक चीज और सिखाऊंगा पहले आज, डाइट प्रॉब्लम, और हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। तो फिर मैं आगे चलूं, कर लोगे ना इसको फिर आगे? अब देखिए ग्राफ राफ उसका बिल्कुल सेम ऐसे ही बनने वाला है, कॉर्नर पॉइंट भी यही आएंगे, सोचो सेम ग्राफ बनने वाला है, बस कॉर्नर पॉइंट पे आपको देखना है जेड की वैल्यू कहाँ पे मिनिमम आई। यस सर ठीक है, तो अब आप डालो नेक्स्ट डाइट प्रॉब्लम। सर एरिया ऑफ अनबाउंडेड रीजन वाला टॉपिक नहीं है ना? मैं करवा रहा हूँ, यही तो है डाइट प्रॉब्लम जो करवाने जा रहा हूँ ना आपको, ये वही है। ओके सर, इसको भी एक क्लास और कर लेंगे थोड़े से क्वेश्चन ना, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग की ना प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है, हमने टाइप तो सीख लिए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के मैं आपको ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो जनरली बच्चों से नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो करवाया था वो इंपॉर्टेंट था। डालो आप हेडिंग डाइट प्रॉब्लम।
कोई भी नई चीज नहीं है, जो कर रहे थे वही करें, फटाफट से लिखो क्वेश्चन। लिखो जी, अ डाइट फॉर अ सिक पर्सन, तो बीमार व्यक्ति है, अ डाइट फॉर अ सिक पर्सन कंटेन्स एटलीस्ट 4,000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1400 calories. डॉक्टर ने बताया बीमार आदमी को भी आपको डाइट लेनी है, उसमें कम से कम 4,000 यूनिट विटामिन जाने चाहिए, आपको कम से कम 50 यूनिट मिनरल लेना है और कम से कम 1400 कैलोरीज लेनी है पर डे। अच्छा, अब डॉक्टर ने इनको दो फूड बताए, आप मार्केट से दो फूड खरीद सकते हैं, फूड ए फूड बी ऐसे लिख लेना शॉर्ट फॉर्म, फूड ए फूड बी, ठीक है। अब फूड ए के एक यूनिट में यहां लिख लेना, फूड ए का जब वो एक यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको 200 यूनिट मिलेगा विटामिन और एक यूनिट मिलेगा मिनरल और 40 मिलेंगी कैलोरी। मान लो वो व्यक्ति फूड ए लेता है, जैसे मान लो कोई भी सप्लीमेंट खा रहा है, एक तरह से जब उसने एक यूनिट कंज्यूम कर लिया तो 200 यूनिट उसको मिल जाएगा विटामिन, एक मिनरल मिल जाएगा, 40 उसको कैलोरी मिल जाएंगी। अच्छा, फूड बी भी उसको खाना है साथ में, फूड बी में 100 यूनिट विटामिन है एक यूनिट में और 2 यूनिट मिनरल है और आपके 40 यूनिट कैलोरी यहां पे। अच्छा, अब फूड ए की कॉस्ट दी हुई है, फूड ए जब वो मार्केट से खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट दी हुई है ₹4 पर यूनिट, बड़ा सस्ता है, ₹4 पर यूनिट, और फूड बी की कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया, अब बस सुन लो क्या करना है आपने। लिख लो, पहले आप लिख लो क्वेश्चन क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या होगा, अगर हम खुद एज्यूम करें, क्वेश्चन ये होगा फूड है फूड भी कितना कितना यूनिट कंज्यूम करवाएं इस आदमी से, ताकि उसके भाई जो कॉस्ट आए ना, फूड खरीदनी है उसकी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आनी चाहिए भाई, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसकी डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जानी चाहिए, है ना, यही क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन भी यही होना चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी परचेस्ड टू गेट द मिनिमम कॉस्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत आसान है, हम ये मान के चलेंगे फूड ए वो एक्स यूनिट्स परचेज करता है एंड फूड बी वो वाई यूनिट परचेज कर लेता है, ठीक है, ये हमारे एक्स और वाई हो गए। सीधा बनाएंगे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एसटीसी, जरा देखना, फूड ए अगर वो एक यूनिट खाता तो 200 विटामिन आता, अभी फूड ए खाएगा वो एक्स यूनिट, बताओ कितना विटामिन ले लेगा, 200x। ध्यान रखना विटामिन प्लस करना शुरू कर दिया है आपने, इसमें प्लस करना दूसरा विटामिन दूसरे फूड से जो मिलेगा, दूसरे फूड में 100 यूनिट विटामिन है और उसका वाई यूनिट वो कंज्यूम करेगा, कितना विटामिन ले लेगा, 100y, ये हो गया। लेकिन उसको जो विटामिन कंज्यूम करना है टोटल, वो कम से कम 4000 होना चाहिए भाई, कम से कम, यानी 4000 से ज्यादा, वरना तो 4000 के इक्वल, ये पहला कॉन्स्टेंट है विटामिन से बना हुआ, दोनों फूड के विटामिन को प्लस करके 4000 से ग्रेटर देन कर दिया या इक्वल कर दिया, बोलो आता है समझ में ये, सर एक डाउट है, हाँ बोलो, सर अगर विटामिन और मिनरल्स और कैलोरीज को अगर एक्स वाई जेड से नहीं कर सकते, नहीं, आप बताओ आप मार्केट से क्या क्या खरीदने जाओगे, कॉस्टिंग किसकी दी हुई है, फूड की दी हुई है या मिनरल विटामिन और कैलोरीज की दी हुई है, फूड की है ना, तो क्वेश्चन भी आपसे ये कहेगा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप फूड शुड बी कंज्यूम्ड सो दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डाइट शुड बी मीट एंड कॉस्ट इज मिनिमम। तू कोई कहेगा भी आपसे कि फूड निकालो, क्योंकि फूड के अंदर मिलेगा ये सारा सामान आपको, ये सामान अलग से परचेज नहीं करना है आपको, आपको तो फूड परचेज करके लाना है मार्केट से।
ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, देखो डिवाइड 100 से कर रहा हूँ मैं इसको, 2x plus y greater than ये 40 रह गई, थोड़ा छोटा कर लिया है मतलब मैंने इसको। अब दूसरी आप बताओगे मिनरल से बना के, मिनरल से बना के बताओगे x plus y, ये भी कम से कम आपको 50 यूनिट चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये दूसरा कॉन्स्टेंट है। प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू, हाँ सॉरी टू वाई भाई, क्योंकि फूड वाई में दो यूनिट है, एक्स प्लस टू वाई। तीसरा बताओगे कैलोरीज वाला, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ठीक है। पहले मैंने लिखा 40x plus 40y greater than equal to 1400, फिर आपने इसको कर दिया 40 से डिवाइड, है ना, छोटा जाएगा थोड़ा सा ग्राफ बनाने में, तो ये हो जाएगा x plus y ग्रेटर देन कितना बता रहे हो 35, ये तीसरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, तीनों के तीन कांस्टेंट्स हो गए, और एक आपको बनाना ही है वही नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, x comma y greater than 0 होना चाहिए, बस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, चलो z जो मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ 4x और 3y, भाई हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो मिनिमाइज होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो मिनिमम करना है। मैं ये रफ कर रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन बोला था, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, अब ग्राफ देख लो और इसके कॉर्नर पॉइंट देख लो, दैट्स ऑल, समझ गए आप फिर कॉन्सेप्ट क्या है। x0 y40 y0 x20, तो 10-10 का क्लास इंटरवल ले लेते हैं, दूसरा बैच का टाइम हो गया, बच्चे खड़े हैं बाहर, फटाफट से बनाता हूं, देखो मैं इसमें y40 आएगा और x20 आएगा, ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है ना, ये एरिया ज्वाइन करके टूवर्ड्स नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, फिर ये आ जाएगा x0 y25 यहाँ और y0 x50 यहाँ, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, यहाँ इक्वेशन लिख देंगे इसकी, ये भी एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं जाएगा, उस तरफ जाएगा बाहर की तरफ, और एक है 35-35 पे, ये 35 यहां मान लो और ये 35 एक यहां मान लो, ये वाला भी एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ये वाला आपका कॉमन एरिया है, देखो फीजिबल रीजन इनफाइनाइट है, ये ठीक है। अभी सर वेट कर रहे हैं भाई, आप लोग एक काम कर लेना बस, इसके आगे अपने आप कर लेना, ये ना चार कॉर्नर हैं, ये चारों कॉर्नर निकाल के, चारों कॉर्नर इसमें पुट करके देख लेना, हो जाएगा। यस सर, बस इतना ही करना है इसमें, तो ये चार कॉर्नर निकाल के पुट कर रहा है मैं, इसमें एक चीज और रह गई मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं करते इसको, तो एक क्लास और देंगे भाई इसको, थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस करा दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो लेकिन इसमें तो इनफिनिट पॉइंट्स हैं। हाँ, इनफिनिट पॉइंट्स होंगे, देखो आप ऊपर जाओगे इन पॉइंट्स को लेके, मान लो ऊपर वाले एरिया में जाओगे तो आपका जो एरिया है वो मतलब जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती चली जाएगी, तो कॉस्टिंग मिनिमम इन्हीं चार पॉइंट पे निकल सकती है भाई। आप जैसे जैसे मान लो पॉइंट को ऊपर नीचे लेना शुरू करोगे, यहाँ पे लोगे कोई पॉइंट ऊपर जाके एरिया में, आपकी कॉस्टिंग उतनी बढ़ जाएगी वो तो। Okay. इसको मैं एक चीज और बताऊंगा परसों, अभी नेक्स्ट क्लास में भी आप इसको इतना नोट कर लो। ओके यस।